आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ मैं बेसिकली आप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस में अट्रैक्ट इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको फीस स्ट्रक्चर अच्छा लगता है अब ये अगर आप बोले कि ये तुम्हारी गलती है तुम जानबूझ के कॉलेज को बदनाम कर रहे हो तो देखो भाई ये मेरी पर्सनल व्यू है अरे डिटो कॉपी करने की क्या जरूरत थी ये सब पता नाइन थाउजेंड समथिंग तो बेसिकली नाइन थाउजेंड तक इन्होंने ऑफर किया था सी एस सी अब ये उस समाने था आपके अगर दस हज़ार के करीब रैंक है तो आई थिंक सो यू शुड अप्लाई फॉर दिस सेमिकाइज एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू गाइस दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टूडेंट जो बेसिकली पाँच से दस हज़ार तक की रैंक लाया टी आई मीन जनरल पे रैंक लाया पर वो टी कैंडिडेट है एंड ही सर्चिंग फॉर अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या फिर आप एक दस बारह तेरह हज़ार की रैंक लाए और आप गवर्नमेंट कॉलेज खोज रहे हो वो भी एक ऐसी कॉलेज जो प्लेसमेंट अच्छा दे और सेंट्रल कलकत्ता में हो तो ये कॉलेज है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बेसिकली ट्रेन से सफ़र करते हो और कोलकाता बहुत आसानी से आ सकते हो शायद साउथ लेन या नॉर्थ लेन से तो शालदा से आपको बस दो मिनट पड़ेगा ये कॉलेज तो सबसे पहले इंट्रो पे ही मैंने ये सब कह दिया क्योंकि कॉलेज के बारे में सुनने में आपको अच्छा लगे ठीक है तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और सबसे खास बात है ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है चुका इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कॉलेज के बारे में दूंगा वो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अगर आप ये कॉलेज का कैंपस देखना चाहते हैं तो गाइज आपको ए वाई वी का भी लिंक मिल जाएगा जो आपको बेसिकली ऑफिशियल साइट पे और गाइज आपको डब्ल्यू बीजे साइट पर भी इनका ए वाई वी का लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप ये कैंपस को देख सकोगे अब गाइज़ अगर आपको कैंपस की एक नॉर्मल सी व्यू दिखाऊं मैं तो ये रहा कैंपस का एक व्यू जो बेसिकली ग्राउंड uh, से ली गई है ये ग्राउंड कौन सी है ये ग्राउंड है एक स्कूल की वो स्कूल की तरफ से ये वाली पिक्चर ली गई है अगर आप ये बात करें ग्राउंड की तो ये ग्राउंड शेयर्ड है विद द कॉलेज एंड ऑल्सो विद द स्कूल अब गाइज़ इन इन्होंने जो इन्फॉमेसन दिया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पर कितने ब्रांचेस पढ़ाई होती हैं बेसिकली गाइज़ यहाँ पर चार ब्रांचेस पढ़ाई होते हैं जिनमें से सिर्फ आपको तीन जानने की ज़रूरत है सेरेमिक टेक्नोलॉजी एक नाम की इंजीनियरिंग होती है सेरमिक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी मतलब आई टी फील्ड की पढ़ाई होती है और गाइज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है अगर मैं बात करूँ इनकी इनटेक की तो गाइज़ हर साल ये चालीस स्टूडेंट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि आपके पास एक सौ बीस स्टूडेंट ओवरऑल टोटल ये सेलेक्ट करते हैं और अगर बात करें गाइज़ एन ए सी की अक्रीडेड कॉलेज है ये और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है अगर शुरुआत के समय पर ये कॉलेज जब बनी थी तब ये बेसिकली इंजीनियरिंग ऑफर नहीं करती थी बाद में ये इंजीनियरिंग ऑफर करने लगी और काफ़ी कुछ अब गाइज़ अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ फैकल्टी मेम्बर विद द स्टूडेंट्स तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट टेन परसेंट से भी ज़्यादा की फैकल्टी मेम्बर से रेशियो है मतलब ट्वेंटी परसेंट के करीब इनकी फ़ैकल्टी रेशियो है इस कॉलेज की पढ़ाई को गाइज बहुत ही अच्छा बनाता है कि फैकल्टी रेशियो इतना हाई है अब गाइज़ अगर हम बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कॉलेज ओवरऑल में ज़्यादा बड़ा नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आए अगर बात करें कॉलेज की सुंदरता की तो अच्छी है और गाइज़ अगर बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्लासरूम्स मुझे काफ़ी कम लगे हैं यहाँ पर दस क्लासरूम्स हैं लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब एक ही बिल्डिंग के ऊपर कॉलेज है तो आप समझ सकते हो अगर बुक्स इन लाइब्रेरी की बात करें तो पंद्रह हज़ार जहाँ तक अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज के बारे में बात किया है वहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में कितने बुक्स हैं पर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स कितने कम हैं तो बुक्स की नंबर्स भी तो कम होने चाहिए अब गाइज़ यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ लेबॉटरीज़ की बात करें पर ये क्या है आप एक्सप्लोजर नहीं ले पाओगे ये एक प्रॉब्लम होता है और ये नंबर ऑफ़ लेबॉटरीज़ की बात करें तो गाइज़ थर्टी लेबॉटरीज़ यहाँ मिलेंगी जो बहुत ही अच्छा बनाता है और कंप्यूटर सेंटर मिलेगा आपको कॉमन और या फिर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है नंबर ऑफ़ देखा आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी ये ऑफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर का नंबर ऑफ़ सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल है तीस और नंबर ऑफ़ सीट्स इन गर्ल्स हॉस्टल जीरो सो आप देख सकते हो कि आपको गर्ल्स uh, के लिए तो पीजी लेना लाजमी हो जाता है और बॉयज़ के लिए हॉस्टल में तीस है तो यहाँ एक डिपार्टमेंट में ही चालीस ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा है इसका होने का और गाइज़ बॉयज़ कॉमन रूम है एक और गर्ल्स कॉमन रूम भी एक है अब गाइज़ आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ मैं बेसिकली आप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस में अट्रैक्ट इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको फीस स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो सेरेमिक टेक्नोलॉजी काफ़ी कम बच्चे ही लेते हैं तो आप सेरेमिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो फोर थाउजेंड करके आपको सात बार देना पड़ेगा तो कैलकुलेट करते हो टू एट जीरो जीरो ठीक है ना आपको यहाँ मतलब ट्वेंटी एट थाउजेंड पड़ गया और यहाँ पर हम बात करें एट थाउजेंड अलग पड़ रहा है आपको तो टोटल थर्टी सिक्स थाउजेंड के करीब आपको अगर आप पढ़ें सिरेमिक टेक्नोलॉजी अगर सी एस सी की पढ़ेंगे तो सेवन इंटू सेवन फोटी नाइन मतलब ओवरऑल ग्यारह जोड़ेंगे तो आपका सिक्सटी थाउजेंड के करीब पड़ जाएगा आप चार साल में सो so सोकाइज अगर हम बात करें आईटी की तो यहाँ पर देख सकते थर्टीन थाउजेंड को आपको सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अप्रोसीमेटली एट्टी वन थाउजेंड के करीब आपके पास निकल के आता है और यहाँ पर आप देखिए तो एटीन थाउजेंड इधर पड़ जा रहा है मतलब नाइनटीन थाउजेंड पकड़िए सिक्स हंड्रेड है तो एक लाख रुपए आपको ओवरऑल आईटी पड़ जाएगी तो आप समझ सकते हो कि फीस स्ट्रक्चर उतना भी ज्यादा कम नहीं है पर एवरेज आप समझ सकते हो जो भाई चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तो जहाँ पर आप अगर देखिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड को टू में इन्होंने सेवेंटी कहा टू में सेवेंटी और टू में गाइज एट्टी जो एक कॉलेज के लिए नॉर्मल है ठीक है इतना होना ही चाहिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो और मैक्सिमम सिटी सी बात करें तो सेवन सेवन टेन और एवरेज सिटी सब में फाइव यहाँ पर गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है अब ये अगर आप बोलो कि ये तुम्हारी गलती है तुम जानबूझ के कॉलेज को बदनाम कर रहे हो तो देखो बाइज ये मेरी पर्सनल व्यू है अरे डिट्टो कॉपी करने की क्या ज़रूरत थी सब कुछ लगता है कि डिटो कॉपी किया हुआ है ठीक है तो कुछ गड़बड़ लगा मुझे अब ये अब देखो ये पर्सनल व्यू है अगर गाइज़ आपको इन कॉलेज के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप देख सकते हैं 1941 में ये कॉलेज बनी थी काफ़ी पुराना है पर 2001 में इसको बीटेक टेक का ऑफ़र मिला फिर वो मकआउट के अंदर से बीटेक बना ये वो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भरी हुई हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर गाइस बात करें कॉलेज की लाइफ की तो कॉलेज और कैंपस की तो इन्होंने कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए हैं कि देखिए यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट है ग्रेजुएट जो होते हैं वो तो एक सौ बीस ही बच्चे हैं तो ज़्यादा बच्चे है भी नहीं और यहाँ पर बात करें सब कुछ अच्छा ही दिया हुआ है तो पिक्चर्स में आप देख कर मज़े उठा सकते हो कॉलेज के अब गाइज़ यहाँ पर बात करें जो नोटिस दी गई थी गवर्नमेंट मैंने डब्ल्यू बी जे की तरफ से जहाँ पर लिखा है कि डोमिसाइल कैंडिडेट को जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे एनी सीट एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कॉलेज पर ये कॉलेज के अंदर आता है यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं इसलिए गाइस यहाँ पर सिर्फ डोमिसाइल बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा दिया है अब गाइस यहाँ पर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की तो आप यहाँ पर समझ सकते हो ऊपर क्या होगा अगर आपको सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिलेगा डाउनलोड लिंक आप डाउनलोड कर लो सेरेमिक टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करो तो गाइज जनरल वालों लोग के लिए एक ही सीट है और यहाँ पर अगर जनरल पे आप फिजिकली हैंडी हो तो वन सीट मिलेगा तो एक ही सीट है तो गाइज़ ज़्यादा चांसेस आप मत समझो और यहाँ पर गाइज आप देखिए तो ओ के लिए सीट है ओ बी के लिए सीट है फिर एस के लिए, है, के लिए सीट है एस के लिए सीट है और अगर हम एग्जैक्टली बात करें फॉर अ टी एफ डब्लू कैंडिडेट तो यहाँ पर सिर्फ टी एफ डब्ल्यू के दो दो सीट है अब टी एफ डब्ल्यू में क्या होगा जो आपके थर्टी सिक्स थाउजेंड थी वो भी बहुत कम जाएंगे ठीक है तो उनके लिए और भी कमी हो जाएगी तो गाइज़ अब हम चलिए बात कर लेते हैं 2019 के कुछ कट के बारे में तो so गाइज़ यहाँ पर देखें 2019 में राउंड थ्री की क्या कट थी तो कंप्यूटर साइंस गाइज़ यहाँ पर फाइव फिफ मैंने फाइव के करीब मिल रहा था पर मैंने इसके पास इसकी डी काउंसलिंग बनाई थी जहाँ पर गाइज़ इन्होंने बताया था इनकी कट ऑफ्स लॉन्च हो गई थी तो यहाँ पर कट ऑफ में लिखा हुआ था नाइन थाउजेंड सम तो बेसिकली नाइन थाउजेंड तक इन्होंने ऑफ़र किया था सी सी अब ये उस समाने था आपके अगर दस हज़ार के करीब रैंक है तो आई थिंक सो यू शुड अप्लाई फॉर दिस सेरमिक टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर दस हज़ार लिखा हुआ पर एग्जैक्टली exactly मैं कहूँ तो आपके पास पंद्रह बीस हज़ार रखेंगे तो फिर भी बहुत कम ही बच्चे अप्लाई करते हैं फिर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो पंद्रह हज़ार तक सेरमिक टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हो इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा आपके पास अगर दस पंद्रह हज़ार तक की रैंक है आप प्लीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाई करें क्या पता लग जाए पर यहाँ पर साढ़े दिया हुआ है एस कैंडिडेट की भी कुछ ज़्यादा है मतलब पच्चीस हज़ार तक सिरेमिक टेक्नोलॉजी पंद्रह हज़ार तक आपकी हो गई कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अठारह हज़ार तो मैं कहूँगा आपकी अगर बीस हज़ार तक रैंक है तो सी एस दोनों अप्लाई करना एस कैंडिडेट की बात करें तो गाइज़ इनके पास बहुत छूट है आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ से दस पाँच बढ़ा सकते हो तो सो आपको अगर जनरल रैंक से टी एफ डब्ल्यू सी टी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप देखो यहाँ पर पाँच तक अगर आपकी रैंक है तो सी सी अप्लाई कर देना यहाँ और सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तक ही रैंक है मतलब यहाँ तो लिखा है सिक्स थाउजेंड मैं तो कहूँगा पाँच सात आठ हज़ार दस हज़ार तक भी रैंक है तो सेमी टेक्नोलॉजी मारना और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो छः हज़ार तक यहाँ पर आप मार सकते हो अब जनरल पी तो बहुत ही कम बच्चे होंगे पर यहाँ पर देख सकते हो कि एक सीट है फिर भी अस्सी नब्बे अब मे यहाँ पर देखो सत्तर तक जा रही है अब गाइज हम टू के कुछ कट ऑफ देखेंगे तो देखेंगे कि हमारी बात कितनी सच्चाई थी तो सी को देखिए आप यहाँ पर सात चले गए वहाँ पर पाँच था तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर दस हज़ार तक अप्लाई करना चाहिए और एस सी के कट ऑफ कुछ सिमिलर है और यहाँ पर देखेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो जैसा तो मैंने बताया आपको दस हज़ार टच कर गई है तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि दस हज़ार तक आप यहाँ पर कैंडिडेट्स को ले सकते हैं देखो राउंड थ्री तक जाना है तो मेरे ख्याल से आपको ये सब भी कॉलेज ऊपर दे देना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी खोज है सबसे पहली बात है गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी कोच है और सिरमिट टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट मच बैड बट गाइस अच्छी कॉलेज ऐसे कुछ मिलेगा और जैसे कि मैंने बताया पाँच हजार तक आपकी रहेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस टी एफ डब्ल्यू सीट मिलने के चांस है तो so गाई अगर मेरी बात करें तो भाई मैं क्या इसको रिव्यू देना चाहूँगा तो मैं बेसिकली कहूँगा इट्स एन गुड एन एवरेज कॉलेज फॉर अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और ये कॉलेज सबसे अच्छी खास बात है इसकी लोकेशन बिकॉज इसकी लोकेशन ऐसी है कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो और अगर आप एक इन फ्यूचर अभी पढ़ाई करना चाहते हो अच्छा करना चाहते हो आगे फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहते हो तो गाइज आपको एक लोकेशन ऑफ अ कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी जगह हो जाए जो सुनसान हो यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर ना मिले या फिर आप कुछ कर ना पाओ तो यहीं पर ऐसी जगह है कि यहाँ से आप स्टेशन सब कुछ जा सकते हो लोकेशन बहुत बस्त है प्लेसमेंट भी एवरेज एंड ओके है अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट है तो यहाँ से प्लेसमेंट करा सकते हो नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स काफ़ी ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं और बहुत कुछ मैटर करता है इन फ्यूचर चार साल के बाद क्या होगा कोई बता तो नहीं सकता पर एक्जैक्टली exactly ऐसा मैं रिव्यू करना चाहूँगा कि दिस एन गुड एन एवरेज कॉलेज सो गाइज़ अब आपकी बारी है कि आप मुझे बताओ कि आपको ये कॉलेज रिव्यू कैसा लगा आपको ऐसा नहीं लगा कि आ, कुछ प्लेसमेंट में गड़बड़ था या रिकॉर्ड्स में या फिर कुछ इधर उधर आपकी रिव्यू बहुत मैटर करती है गाइज़ आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हेल्प भी करेगी आपकी रिव्यू आप क्या रिव्यू करना चाहोगे दो चार लाइनों पे मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ वीडियो को करो श्योरली लाइक और अगर गाइज आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में खोज पर आपकी उतनी रैंक नहीं आई है तो आप सोच रहे हो डायरेक्ट एडमिशन करवाने का तो गाइज आप तो गाइज तो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक हेल्पलाइन ऑफिस जहां पर आप जाकर गाइज डायरेक्ट एडमिशन के लिए हेल्पलाइन ले सकते हो कुछ आपको लोग हेल्प करेंगे और डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ डिस्काउंट रेट भी दे देंगे पर गाइज आप जब भी आपको लगे हंड्रेड सेफ एंड सिक्योर तभी आप अपने पैसे लगाइए माता पिता का पैसों का बहुत इज्जत करना आपका ड्यूटी है गाइस ये फ़र्ज़ है हमारा और भी गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर लिख के बताइए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय, गाइज़